Hello dear learners, welcome back to Abhit Siksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abhit Siksha. So let us begin. Aaj ke jo important articles hai, they are first, center increases MSP for wheat, five other rabi crops. तो MSP जो है वो अनाउंस किया गया है, तो उसमें इंक्रीज हुआ है आपका वीट का प्राइसेस जो है वो इंक्रीज किया गया है और पांच और रबी क्रॉप्स, बिकॉज खरीफ सीजन इज ओवर नाउ एंड रबी सीजन, बिकॉज MSP क्या है, पोस्ट प्री हार्वेस्ट होता है ना, अनाउंस किया जाता है, तो उससे पहले जो है सेंटर अनाउंस कर रहे हैं. तो फिर दिस इज़ फर्स्ट न्यूज़ MSP के रिगार्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे, आई वुड से इट. एंड सेकेंड इज सुप्रीम कोर्ट इंश्योर्स हरियाणा पंजाब ओवर लैक ऑफ एक्शन. सुप्रीम कोर्ट सेंश्योर्स हरियाणा पंजाब ओवर लैक ऑफ एक्शन इन स्टबल बर्निंग केसेस, समन्स चीफ सेक्रेटरी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम लोगों ने उस दिन भी स्टबल बर्निंग के ऊपर एक डिस्कशन किया था कि हाउ इट इज़ गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, ऑन द एयर क्वालिटी ऑफ the North India. So this is very important, and there are evidences, there are reports, but there is no action taken. Why it is not taken? So that's thing that we have to discuss. And third is Five Eyes support Canada in spat with India. तो हमें basically यहाँ पर Five Eyes के बारे में समझना होगा, Five Eyes and how can Five Eyes help in building the relationship between Canada and India, that is that we have to understand about. So these three are very important topic for the day. So without any delay we can start. So before starting, aaj aapka static ka class hua hai aapka RRB mein, kal aapka geography ka first class hoga. So you can join in, 6:30 PM ko hoga aapka ye geography ka class. You can definitely come and you can see the entire schedule of every subject that is going to come in the examination. So this is going to be absolutely important. You can join in and you can contact in the given number also. यहाँ से आप बाकी जितनी जानकारी है, ऑफिशियल जितना जानकारी है वो आप जान सकते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप इफ़ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर इट द कोर्स, इफ़ यू आर विलिंग टू गिव दिस एग्जाम एंड इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम, दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. जो आप 5 नवंबर से जो है आपके क्लासेस जो है वो शुरू करें होंगे, यू कैन डाउनलोड द अभित शिक्षा ऐप, ABHITH अभित शिक्षा, SIKSHA अभित शिक्षा का ऐप जो है, इसको आप डाउनलोड करिए और यहाँ पर आप आपको जो है सारे कोर्सेज जो है वो दिखेंगे एंड यू कैन जॉइन इन दी कोर्सेज, ठीक है. तो दिस इज़ योर 5 नवंबर के क्लासेस, यू कैन डेफिनेटली जॉइन इन, ठीक है. ओके, लेट अस बिगिन. सेंटर इंक्रीजेज MSP फॉर वीट, फाइव अदर रबी क्रॉप्स. तो यहाँ पर क्या है, कौन अनाउंस करते हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है. ये दिस इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसके हेड होते हैं. तो CCEA जो है, या फिर जिसको हम कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है, वो इंक्रीज या डिक्रीज वो अनाउंस कर सकते हैं, जो भी आपका प्राइस जो है वो मतलब वो प्राइस डिसाइड करके, CACPA एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्राइस डिसाइड करके कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर को देती है एंड देन वो अनाउंस जो है वो करते हैं. इफ़ यू कैन सी दिस टेबल या चार्ट जो है, मैं अगर आप लोगों को पढ़ के बताऊँ, जो क्रॉप्स है, देखिए राबी के कुछ क्रॉप्स है, जैसे कि वीट है, गेहूँ है, ठीक है. तो पिछले साल जो आपका 24-25 का जो अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें ये प्राइस था आपका 2275, ठीक है, 2275 था 24-25 जो इस पिछले साल जो अनाउंस किया था. इस बार है 2425 पर क्विंटल, ये पर क्विंटल का है, 2425 पर क्विंटल. इंक्रीज़ कितना हुआ, ₹150 जो है ये इंक्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. सिमिलरली बार्ली के साथ भी ऑलमोस्ट ₹130 का इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा. ग्राम, ठीक है, जो ग्राम है, ग्राम मीन्स जब पल्सेस जो है, पल्सेस पे भी आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा. डेफिनेटली बहुत अच्छा इंक्रीज़ है यहाँ पर. पहले ग्राम पे ग्राम जो है आपका जो पल्सेस था, पल्सेस पे पहले कितना था, पल्सेस वाज फॉर द लास्ट ईयर इट वाज 5540, ठीक है. पल्सेस जो हमारे ग्राम्स थे, जो ये रबी ग्राम, रबी के सीजन में उगाया करते थे, उसका था 5540 एंड नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 5650. देर इज एन इंक्रीज ऑफ ₹210 एंड द मैक्सिमम इंक्रीज वी कैन सी इट इन रेपसीड एंड मस्टर्ड. मस्टर्ड जो है आपके रेपसीड और मस्टर्ड में सबसे ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा. जो हमारा सरसों है उस पर सबसे ज़्यादा, पहले पर क्विंटल कितना था, 5650,
अब कितना है 5950, ऑलमोस्ट रुपीज 300 का इंक्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर MSP जो है, यहाँ पर इंक्रीज जो है, वो इंक्रीमेंट जो है आपको MSP में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है गेहूं पे 150 रुपये पर क्विंटल और रेपसीड पे 300 रुपये पर क्विंटल इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, MSP क्या है? MSP एक गारंटेड अमाउंट है जो कि फार्मर को देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब वो खरीदने जाती है। ठीक है, और ये जो रिकमेंडेशंस है ये कौन देता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस, CACP एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप एक कमेटी समझ सकते हैं। वो आती है, वो मिलती है, वो डिसाइड करती है, वो सब कुछ स्टडी करती है, क्लाइमेट कैसा था, फार्मर कैसे इनकम कर रहे हैं, मतलब दे स्टडी एवरीथिंग एंड दे डिसाइड वन बेंचमार्क प्राइस जो कि MSP हम जिसको कहलाते हैं। एंड देन वो CACP किसको इसको आगे बढ़ाती है, ये आगे बढ़ा के आपको CCEA को दे देती है। CCEA क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये कैबिनेट कमेटी के पास पावर है, ये हाई पावर्ड कमेटी है, इनके पास पावर है कि वो डिसीजन लेते। ठीक है, मैंने बताया था ना, ये चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड दे टेक दी फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन जो है ये CCEA ही लेगी। ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, CACP इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, रिकमेंडेशन देती है, और CCEA जो है ये रिकमेंडेशन के ऊपर उनको क्या काम करना है, डिसीजन जो है मेकिंग बॉडी इट इज CCEA, और वो अप्रूव करती है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, MSP जो है ये क्या इंश्योर करता है कि रेम्यूनरेटिव प्राइस हो, अच्छा प्राइसिंग सबको मिले, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी इम्प्रूव कोशिश करती है कि क्रॉप डाइवर्सिफाई हो। जैसे बार्ली में दाम बढ़ा दिया, आपको पता होगा बार्ली क्या है, नाइट्रोजनस प्लांट है, फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो बार्ली पे ग्राम पे ज़्यादा MSP देना, बिकॉज वो क्या करता है, फिक्सेशन होता है, अवॉइड करना है हमें, मोनोक्रॉपिंग जितना हो सके अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर तीन तरीके से जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, आप समझ सकते हैं कि तीन चीज़ों को, तीन पैरामीटर्स को यहाँ पर रखा जाता है। जब CACP बनाता है अपना MSP का जो प्राइस जब डिटरमाइन करता है, तो वो तीन चीज़ों को ध्यान देता है, जिसको हम सबसे पहले बोलते हैं A2। A2 क्या है? ये जितना भी फार्मर ने जितना भी डायरेक्टली कॉस्ट इनकर किया है, जिसमें सीड सीड्स होते हैं उसमें, फर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड्स में, मतलब जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आपके फार्मर का, जैसे कि लेबर खरीदना हो, ज़मीन का लीज देना हो, फ्यूल देना हो, इरिगेशन पे कितना खर्चा किया, फर्टिलाइजर पे, सीड्स खरीदने में कितना खर्चा हुआ, ये इसको हम A2 कहते हैं। A2 प्लस FL क्या है? A2 हमने देख लिया ना कि जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। FL क्या है? फैमिली लेबर, अनपेड फैमिली लेबर, जिसमें जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने बीवी को भी काम लगाते हैं, बच्चों को भी काम में लगवाते हैं, वो सेम फील्ड में, तो वो A2 प्लस FL को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद क्या है कि उसके बाद एक और फैक्टर होता है C2। इट इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट देन फैक्टर्स ऑन रेंटल्स एंड इंटरेस्ट फॉर ओन लैंड एंड फिक्स कैपिटल एसेट ऑन टॉप ऑफ A2 प्लस FL। C2 क्या है? C2 ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होता है, कि मतलब हम देखते हैं कि अगर कोई बड़ा फार्मर है तो उसको क्या फिक्स्ड इंटरेस्ट में रिटर्न आ रहा है। सो और जैसे कि अगर उसने किसी अपना कैपिटल कहीं और इन्वेस्ट करके, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक फार्मर है, उनके पास एक एक्स्ट्रा ट्रैक्टर है, तो उसने वो एक्स्ट्रा ट्रैक्टर इंटरेस्ट में दिया है किसी और ट्रैक्टर वाले, मतलब किसी और छोटे फार्मर को। ठीक है, तो वो ट्रैक्टर में कितना वो इंटरेस्ट इंकर कर रहा है, या फिर अगर उसने ज़मीन लीज पे दिया हुआ है तो कितना इंटरेस्ट इंकर कर रहा है, या फिर कोई कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये सब जो है C2 में काउंट होता है। तो CACP जो है क्या क्या कंसिडर करता है? बोथ A2 प्लस FL, दैट इज ये A2 प्लस FL और C2, दोनों को कंसिडर करता है। ठीक है, A2 क्या है? A2 मैंने बता दिया आपको, जो डायरेक्ट कॉस्ट है। A2 प्लस FL और C2 दोनों को साथ में कंसिडर करके CACP जो है एक रिकमेंडेशन देता है। और 22 क्रॉप और एक शुगर केन पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। ठीक है, तो 22 क्रॉप्स देखिए, खरीफ क्रॉप में देखिए, पैडी है, ज्वार है, बाजरा है, मेज़ है, मक्का जिसको हम कहते हैं, रागी है, तूर है, मूंग दाल, अरहर, ग्राउंड नट, सोयाबीन। ठीक है, ये सब जो है आपका खरीफ क्रॉप है। रबी क्रॉप हम लोगों ने अभी देखा ना, ये 6 क्रॉप से, वीट 6-7 क्रॉप से, बार्ली, ग्राम, मसूर, रेपसीड एंड सैफ्लावर, ये 6 रबी के क्रॉप से। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। एंड 2 कमर्शियल क्रॉप से, एक जूट है, एक कॉपरा है, और प्लस एक शुगर केन भी है। शुगर केन को MSP नहीं दिया जाता, शुगर केन में FRP दिया जाता है। ठीक है, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसिंग जो है FRP दिया जाता है। तो 22 क्रॉप्स प्लस वन योर प्लस वन में आता है आपका शुगर केन, 23 प्रोडक्ट्स को MSP दिया जाता है, मतलब 22 प्रोडक्ट्स को MSP, एक प्रोडक्ट को FRP जो है ये दिया जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट
even stress enough on this topic, how much important this topic is. Agriculture is 50% of the GS3 ka portion. 50%, and you have to understand that this paper is absolutely important because we are an agrarian society. This paper becomes absolutely important. There is no other way. You have to study it in depth, you have to study it in detail, and there is no other way. ठीक है, तो ये सब आपको basic चीज़ें हैं जो मैंने अभी explain किया है, ये सब आप लोगों को in your fingertips आना चाहिए. ठीक है, CCEA क्या है, CACP क्या है, A2FL क्या है, A2 क्या है, C2 क्या है, क्या consideration होता है. ठीक है, ये सब आपको on your fingertips होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट सेंशर्स हरियाणा पंजाब ओवर लैक ऑफ एक्शन स्टबल बर्निंग केसेस समन्स चीफ सेक्रेटरी. तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपका ये इस तरीके का डिफायंट एटीट्यूड, दे हैव यूज दिस वर्ड, वट काइंड ऑफ डिफायंट एटीट्यूड इज दिस टूवर्ड्स द नेचर, या फिर आप क्लाइमेट के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, वाई आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर अ स्टेट ऑफ दिल्ली और जस्ट फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा, दे हैव समन्ड पंजाब एंड हरियाणा एंड अदर स्टेट्स ऑल्सो. कि मतलब किस टाइप का ये एटीट्यूड जो है ये दिखाया जा रहा है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता. ये बात है कि कोई एक स्टेट नहीं कर रहा, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स जो है इन्वॉल्व है. ठीक है, बीट पंजाब, बीट हरियाणा, बीट राजस्थान, बीट उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है, एंड सिर्फ एक स्टेट से नहीं हो रहा, बहुत सारे स्टेट से हो रहा है. सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देर शुड बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देर शुड बी सम एक्शन टेकन टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो. जैसे पूसा बायोडिकम्पोजर को हम यूज़ कर सकते हैं, 10 दिन में वो स्टबल को खा देता है. ठीक है, बायोडिकम्पोजर है, तो यू कैन यूज अदर ऑल्टरनेट मेथड्स, बट वी आर नॉट यूजिंग एनी बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम, बिकॉज दे एवरी गवर्नमेंट विल पॉइंट ऑन अदर गवर्नमेंट कि हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, हम नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट कर रही है. सो मतलब सब कोई पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी रियल इशू. दिवाली इज कमिंग, द एयर क्वालिटी इज गोइंग टू बी द पुअरेस्ट ऑफ द ऑल टाइम, मतलब पूरे साल में जितना पुअर नहीं होगा वो इस समय होने वाला है. सो कलेक्टिव एक्शन जिसकी हम बातें करते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा. ठीक है, तो यहाँ पर और विंटर्स के समय जो है एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब इट्स वेरी पैथेटिक. एंड दे कैन दे इसरो इज गिविंग देम फुटेज, सैटेलाइट फुटेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इसरो कि यहाँ पे बर्निंग हो रहा है, यहाँ पे बर्निंग हो रहा है, यहाँ पे बर्निंग हो सकता है. सो दे कैन कॉन्टैक्ट, बट नोबडी इज डूइंग एनीथिंग बिकॉज आई डोंट थिंक कि मतलब दिस इज मच ऑफ अ ग्रेटर इशू फॉर देम, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड यू नो दैट समथिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के समय पर, राइट, राइट टू गुड एयर, राइट, अच्छा सांस लेना हमारे जो है वन ऑफ द राइट्स है, राइट टू बी हेल्दी, राइट. आप तो हमसे डायरेक्टली हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो छीन ले रहे हैं. तो यहाँ पर जो है समन किया है चीफ सेक्रेटरीज को, एंड यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम है कि मतलब जो ज़मीन है, देर इज़ ओनली फ्यू डेज. सी, हम लोगों ने कल परसों स्टबल बर्निंग का बात किया था, आज MSP भी अनाउंस हो गया, तो देर इज़ अ विंडो इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, 10-11 डेज का एक विंडो है कि मतलब हमने MSP अनाउंस कर दिया, अब नाउ फार्मर्स धड़ाधड़ जो है फर्टिलाइजर खरीदेंगे, धड़ाधड़ जो है आपका सीड्स खरीदेंगे. तो ये आपको एक विंडो जो है इट्स वेरी स्पेसिफिक, बहुत छोटा विंडो है. तो यहाँ पर हमें इस विंडो में के शॉर्ट पीरियड में हमें क्या करना चाहिए उसके लिए हमें वो काम करना होगा. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पूसा बायोडिकम्पोजर के बारे में, ये जो है इसको हम स्टबल जहाँ पर भी है डिकम्पोजर, ठीक है, पूसा बायोडिकम्पोजर का वी कैन यूज इट एब्सोल्युटली. तो ये यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा है, या फिर वाई फार्मर्स आर प्रेफरिंग कैचिंग इट इन फायर ओवर दिस, ये हमें जानना होगा. एंड देर शुड बी सम अवेयरनेस ड्राइव, एक अवेयरनेस ड्राइव जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जहाँ पर हम फार्मर्स को समझा रहे हैं. स्टबल मैंने आप लोगों को बताया, स्टबल जो है मैंने आप लोगों को बताया स्टबल क्या होता है, जब हम हार्वेस्टर जो है ये इस तरीके से रूट्स को काट देता है, पत्तों को वो ऊपर से जो है धान और पत्ते जो है वो निकाल देता है. ये जो है पेड़ है, पेड़ का ये दिस इज़ योर रूट्स, दिस इज योर लीव्स, दिस इज़ योर धान. ठीक है, ये धान है, तो ये जो जो हार्वेस्टर है वो यहाँ तक काट देता है और ऊपर का पोर्शन जो है वो उसको काट लेता है, लेकिन नीचे का जो स्टेम है थोड़ा सा हिस्सा ऑफ स्टेम एंड एंटायर रूट्स को वो खींच नहीं पाता है. तो बिकॉज मैंने बताया विंडो सिर्फ 10 दिन का ही रहता है, तो यहाँ पर क्या है इस टाइप के बहुत सारे जो है आपको स्टेम्स जो है और रूट्स जो है वो देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर
कोई बैठ के तो निकाल नहीं पाएगा बिकॉज द डे इज वेरी लेस. तो व्हाट दे डू इज दे प्रिफर टू बर्न इट ऑल. ठीक है, बहुत ज्यादा बर्निंग होता है यहाँ पर और एकदम धुआं जो है हर तरफ फैला रहता है. एंड देर इज नॉट 1, 2, 3, देर आर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर दोज हु आर डूइंग दिस. इसीलिए एयर क्वालिटी इतना ज्यादा खराब हो जाता है. एंड दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. इट बिकम्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन स्पेशली बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको बड़ा दिक्कत होता है. इतना धुआं आंखों से पानी आ रहा है. एस्मा के पेशेंट्स, ठीक है, नॉर्मल इंसान को भी अगर दिक्कत हो सकता है तो हम बड़े और बच्चों को क्या ही हम लोग मतलब कंसिडर कर रहे हैं. बिकॉज दे आर दी वन हु हैव इम्यून सप्रेशन. जो है उनका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है. सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम होता है, राइट. तो इसीलिए दिस हैज़ इट्स ओन इम्प्लीकेशंस. अपने खुद के इम्प्लीकेशंस है इसमें. तो इसको हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, ओके. लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज फाइव आईज सपोर्ट कैनेडा इंस्पायर्ड विद इंडिया ऑन नेचर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फाइव आईज जो है ना वो क्या कर रही है, कैनेडा का सपोर्ट कर रही है. फाइव आईज एक अलायंस है. ठीक है, फाइव आईज जो है एक अलायंस है बिटवीन दी फाइव डेवलप्ड कंट्रीज. जो आप देख पाएंगे जो कि कैनेडा का फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको भी लगता है कि इंडिया का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इन किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर. जो कि हम डायरेक्टली डिनाई कर रहे हैं बिकॉज वी आर नो मतलब हम जो है वी आर डिनाइंग इट बिकॉज वी हैव नॉट डन इट. बट यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइव आईज के मेंबर्स को भी ये लगता है कि जो किलिंग हुआ है इट इज़ एलिजिडली बीन डन बाई इंडिया. सो यहाँ पर लंडन में यूके ने जो है वो दिखा वो क्या कहा है कि the UK has the full confidence in Canadian judicial process and foreign office in London declared Wednesday expanding the ambit of unprecedented diplomatic crisis that has been broken between India and Canada over the alleged involvement of Canadian based Indian diplomats and in the killing of pro Khalistani preacher Hardeep Singh Nijjar. So yahan par wo keh rahe ki यहाँ पर दो बातें वो कर रहे हैं. बेसिकली दिस इज़ अ वेरी डिप्लोमेटिक मूव जो कि हर कंट्री ही करती है. एंड स्पेशली आप देख पाएंगे वेस्ट की कंट्रीज ज़्यादातर ये यूज़ करती है कि एक तरफ वो फुल कॉन्फिडेंस दिखा रही है किसके लिए, कैनेडा के लिए. लेकिन वो क्या कर रही है कि उनको वो भी लग रहा है कि थोड़ा सा हमें बातें भी करना चाहिए, अपना एम्बिट को भी बड़ा करना चाहिए. हमें देखना चाहिए कि हम क्यों टाइस जो है वो कट कर रहे हैं. हमें टाइस कट नहीं करना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. तो दिस टाइप ये जो है बैलेंस करना इसको हम कहते हैं कि मतलब आप दोनों साइड को बैलेंस करके जो है वो चल रहे हैं. दिस इज़ और यहाँ पर क्या है कि ये ऐसी टाइप के देखने को आपको बहुत मिलेंगे कि मतलब आप डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, यू आर ट्राइंग टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द टू. ठीक है, तो ये अलायंस क्या है. ठीक है, अलायंस क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ ना तब ये अलायंस बना बिटवीन यू ब्रिटेन एंड यूएस. ठीक है, ब्रिटेन एंड यूएस में ब्रूसा एक एग्रीमेंट है जो है ये साइन हुआ था कि बाद में इसको यूके यूएसए भी एग्रीमेंट भी कहा जाता था. जब ये अपना इंटेलिजेंस जो है वो शेयर करते थे बिकॉज दे वेर इन सेम ग्रुप ऑफ पावर्स. तो ये क्या करते थे, अपना इंटेलिजेंस जो है वो शेयर करते हैं यूके जो है यूरोप के साथ. अपना जो है जितना भी इंटेलिजेंस है उसको वो साइन करते हैं. तो यूके यूएस जो एग्रीमेंट है वो 1946 में साइन हुआ. 1949 में कनाडा ने ज्वाइन किया. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 1956 में ज्वाइन किया. तो बेसिकली यूके यूएस कनाडा उसके बाद है आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ये पांचों कंट्रीज जो है ये फाइव आईज के ये मेंबर कंट्रीज है जो अपने साथ इंटेलिजेंस जो है इसको शेयर करते हैं. ठीक है, हाउ कुड फाइव आईज प्ले अ रोल इन द करेंट इंडिया कैनेडा इशू. हाउ फाइव आईज जो है इस इशू को जो है रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं कि जैसे कंट्रीज जैसे यूके यूएस यहाँ पर बहुत ज़्यादा पांचों कंट्री में इंडियन डायस्पोरा इज वेरी हाई. ठीक है, बहुत हाई है. तो हम जो है यहाँ पर क्या है वेरी क्लोज है हमारे रिलेशनशिप विथ यूके यूएस और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड. हमारे बहुत सारे रिलेशन अच्छे हैं इनके साथ. ठीक है, तो ये जो है हमें एक जगह पर लेकर आके वी कैन हैव अ डिस्कशन, वी कैन हैव अ टॉक. ठीक है, और हमारा जो है हिस्टोरिकल क्लोजनेस भी है किसके साथ, कैनेडा के साथ. तो यहाँ पर क्या है कि हम वो भी यूज कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी जो है हमने यहीं से लिया था. ठीक है, सो वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑफ दिस. और स्पेशली यूके यूएस जो है वो एक मेडिएटर के रूप में जो है आ सकता है, मेडिएशन जो है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा जो है वो करवा सकता है. सो देर आर चांसेस. ठीक है, फाइव आईज जो है वी कोशिश करें तो इंडिया और कनाडा का रिलेशनशिप को हम बहुत बेटर कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रॉक बॉटम में है अभी. ठीक है, सो फाइव आईज कैन एब्सोल्युटली हेल्प इन दैट. ठीक है, ऑल राइट.
होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा और आज के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी आपको समझ में आ गए. इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन विद इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.